और जहां से उनको फायदा लगेगा वहां पे पैसा डाल लेंगे। क्या हुआ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बैठ गई, क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे चाइनीज, व्हाई आर दे नॉट इन्वेस्टिंग? बड़े जोर शोर से सोने सड़कें की बन जाएंगी सर, है ना, लोग वीजे की लाइन लगाएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान विल बिकम यू नो द टॉप इकोनॉमी ऑफ एशिया, यही सब स्टोरी सुनाई थी ना। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस, अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। क्या हो गया उसका, यही सब स्टोरी उन्होंने सुनाई थी श्रीलंका को कि श्रीलंका सबक ट्रेडिंग हनुमनटोटा विल बिकम द टॉप पोर्ट इन द वर्ल्ड, एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बन जाएगा, राइट? क्या हुआ उसका? वही उन्होंने अफ्रीका में करा था, क्या हुआ अफ्रीका का? वही उन्होंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में करा है, क्या हुआ वहां पे? तो जब कहीं पे कुछ नहीं हुआ तो हम क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि $400 मिलियन ईरान में डालेंगे? वो सब कहने वाली बातें, ये पाकिस्तानी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, वो ईरानी से बोलते हैं, ईरानी पाकिस्तानी से बोलते हैं, दोनों खुश। मुझे खुद बोल रहे थे $400 मिलियन के बारे में, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का मेरे पास कॉल आया कि मेजर साहब ये इन्वेस्ट हो गया, तो मैंने बोला आपके यहाँ भी तो इन्वेस्ट हुआ था, आपका क्या हुआ पहले ये बताइए। तो ही हैड नो आंसर टू गिव। ठीक, आपने कहा कि इन्वेस्ट तो खैर नहीं हुआ, $400 बिलियन के जो नंबर आ रहे हैं ओवर 25 ईयर्स में हैं, यानी 25 साल के अंदर अगर ये प्रोजेक्ट चलते रहे तो होंगे, और उसके दौरान तो वाकई ये होगा कि बहुत सारी वो जो टेरिटोरियल क्लेम्स आ जाएंगी चाइना की, और कोई भी प्रोजेक्ट उनका सिरे नहीं चढ़ा बैनुल क़वामी लेवल पे, तो ये कहाँ चढ़ना है। लेकिन पाकिस्तान के ज़रिए राहदारी मांग रहे हैं, पाकिस्तान में वो जो सी पैक है वो आपके सामने है, जिसकी एक सड़क अभी तक बनी है, या वो पैसा चाइनीज़ कंपनियाँ खा चुकी हैं, या पाकिस्तान की जनरल और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लोग या पॉलिटिशियन खा चुके हैं, पता ही नहीं है कि कहाँ है वो $62 बिलियन जो था, और इसमें से अब तक कहते हैं कि शायद कोई $23 बिलियन इसी तरह ही खुर्द बुर्द हुआ है। लेकिन जो एक काम इंटरेस्टिंग हुआ पाकिस्तान में गौरव भाई, एक शराब की फैक्ट्री रोड लग गई है और उसका लाइसेंस भी मिल गया, और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान इस मामले में बड़ा सख्त कट्टर कंट्री है, लेकिन चाइनीज़ के लिए वो शराब फराहम है। और ऑन द अदर हैंड, दो बातें मैं जोड़ूंगा, यही $400 बिलियन जो ईरान का है, वो जो दुनिया में मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए चाइनीज़ तो इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर एक हिंट भी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि भाई जो हमारे ईरानी हैं वो टेलीफोन कॉल पे नहीं इधर उधर भिदकते, पाकिस्तान भिदक जाता है। तो आप इन दोनों बातों को अलग अलग देखें तो कैसे देखेंगे? नहीं ताहिर साहब, ये जो बात थी ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि आई थिंक चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर गए थे, कौन गया था, बड़ा सीनियर कोई लेवल पे बंदा गया था वहां पे चाइनीज, एंड ही वेंट टू ईरान, और तेहरान में कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये ईरान ऐसा मुल्क नहीं है जो एक फोन कॉल पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल दे। तो पाकिस्तानी मीडिया बड़ा दुखी हो गया कि यार तो हमारे लिए बोल रहे हैं चाइनीज, और क्या हमसे क्यों परेशान हैं ये लोग। तो ये तो है, जहां तक शराब की फैक्ट्री है, ये सब देखिए, इमरान खान कहता है रियासत है मदीना, फिर वहां पे शराब की फैक्ट्री, वो सुअर भी खाएंगे, वो कुत्ते भी खाएंगे, वो सब कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो चाइनीज के लिए डिस्काउंट दे सकते हैं पाकिस्तानी, और चाइनीज के लिए देंगे भी डिस्काउंट, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को कौन पैसा दे रहा है, यही पैसा देंगे, यही लोन देंगे, और उनकी इकोनॉमी इतनी डब्बा हो चुकी है बिल्कुल पाकिस्तान की, दे हैव नो अदर वे, कोई तरीका नहीं है उनका सर्वाइव करने का। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान इज वेरी वेरी क्लोज टू इम्प्लोजन। और जो आपने बात करी ना कि आप इनको अलग अलग कैसे देखते हैं, मुझे तो ये लगता है कि अभी क्योंकि ईरान काफी टाइम से परेशान है यूएस सैंक्शन से और ग्लोबल सैंक्शन से बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, इसके लिए और भी इनकी हरकतें हैं जिनकी वजह से वो यू नो सैंक्शंस में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ईरान के लिए बहुत घातक, बहुत फेटल सिद्ध होगा। उसका रीजन है, ऐसे मुल्कों में छोटे मुल्क जो होते हैं ना, जैसे ईरान है, ईरान इज ज्योग्राफिकली स्मॉल, पॉपुलेशन वाइज भी उसकी ज्यादा नहीं है, ऐसे मुल्कों में हर समय यह देखा गया है कि मैं कैसे बताऊं आपको ताहिर साहब, जैसे कि आप देखिए जहां जहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो सारे के सारे छोटे मुल्क हैं, आप कोई बड़ा मुल्क नहीं है उसमें, सारे के सारे छोटे मुल्क हैं, पहली चीज। सारे के सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी या तो बैठी हुई है या हल्का हल्का उठ रही है, राइट? ये एक किस्म के मुल्क हैं जहां पे एक एलीट रूल करता है ना, और ऐसे मुल्क हैं ज्यादातर जहां पे इतनी मजबूत डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि टॉप लीडरशिप को करप्ट करना बड़ा आसान होता है। वहां पे ये $100 मिलियन आयतुल्ला को देंगे, ये
अहमद जिनाद या उसके दो तीन बंदे होंगे उनको 100 मिलियन डॉलर देंगे. इन्होंने यही तो करा श्रीलंका में भी. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड इन पाकिस्तान आल्सो. ये चाइना का एक मॉडल है, वहां पे जाके टॉप लीडरशिप को करप्ट करो, वहां पे गजब इन्वेस्टमेंट करो कि वो जो टॉप लीडरशिप बोले देखो मैंने तुम्हारी सड़कें बनवा दी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, दे विल कंटिन्यू टू बी ऑन पार, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सारे मिलेंगे चाइनीज को. अभी 400 बिलियन डॉलर है, ये कौन करेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट? ये बताइए सर, क्या ये ईरानी कंपनी करेंगे एग्जीक्यूट? अब ईरान को तो ये लग रहा है कि साहब हमसे तो इतने सालों से कोई बात ही नहीं कर रहा. 1979 के बाद उसका तो बेड़ा गर्क हो रखा है ईरान का. जब शाह ईरान चला गया था 79 की रेवोल्यूशन के बाद, तो नीचे नीचे ढलान से आ रहा ईरान. अब ईरान को एक उम्मीद की किरण लग रही, कोई तो आए हमारे मुल्क में, कोई तो इन्वेस्ट करे, यू नो, जो अमरीका को आंखें दिखा दे. अमरीका को आंखें कौन दिखाता है? चीन दिखाता है. आ जाओ जी, आप डालो पैसा अपना. बट इससे क्या होगा कि जब ये कर देंगे ना तो बाकी दुनिया इनके लिए बंद हो जाएगी. देन दे विल बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द चाइनीज. जैसे पाकिस्तान हो गया ना, पाकिस्तान क्या करे? उसको पता है कि गड्ढे में जा रहा है, लेकिन पैसा कौन देगा? पैसा बीजिंग देगा. तो आप दोबारा बीजिंग के पास जाओगे, आप दोबारा बीजिंग के पास जाओगे. आप लोन के ऊपर जो आपका कर्ज चढ़ा है, जो आपका लोन के ऊपर जो सूद है जिसको कहते हैं इंटरेस्ट, सूद के लिए आप फिर बीजिंग के पास जाओगे, और बीजिंग फिर सूद के ऊपर सूद लगाएगा, तो आपकी इकोनॉमी. यही होने वाला है ईरान के साथ दोबारा. तो इसका मतलब ये कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हो और ईरान हो, वो चाइना के शिकंजे में कसे जा रहे हैं, चूंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, कोई और कंट्री उनको पैसा नहीं दे रहा. पाकिस्तान को फिर भी उम्मीद है कि शायद अमेरिकन्स आईएमएफ के ज़रिए या इवन अरब कंट्रीज़ के ज़रिए कोई ना कोई मदद दे दें. अभी भी ये होप थोड़ी सी पाकिस्तान में है. क्या आपको ये होप अभी भी नज़र आती है पाकिस्तान के लिए? सर मैं एक मिनट अगर ईरान के बारे में वापस जाऊं. जी देखिए, ईरान के पास तेल है, इनको चाहिए तेल, ऑनेस्टली. अब दे नीड ऑयल फॉर देयर इकोनॉमी. अब सऊदी अरब से अब इनको लग रहा है कि साहब ये ऑयल वाला मामला बड़ा लंबा चौड़ा हो रहा है, डायरेक्ट लैंड रूट है यहां से, तो अब ये लोग तेल लाएंगे ये ईरान से, बिल्कुल लैंड रूट से ही तेल ले जाएंगे. अब ईरान को क्या लग रहा है, अगर ईरान को यह गलतफहमी है एक रुपए की कि चाइना इनको डॉलर देगा. तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म. आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं. तो पाकिस्तान मीडिया में आपको पता है एक खबर आई थी कि सीपैक हो गया है ख़त्म, और ईरान में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है चाइना का, उसके बाद सीपैक का प्रोजेक्ट लगभग ख़त्म होने की कगार पर है. और इसी पर डिस्कशन किया है मेजर गौरव आर्य ने. मेजर गौरव आर्य ने बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर दिया है कि चाइना की पॉलिसी क्या है. चाइना अपने प्रोजेक्ट कभी भी पूरे कंप्लीट नहीं करता है, लोन पे लोन देता है और दूसरे देशों को लोन दे देकर उनको एक सपने दिखाता है, जैसे श्रीलंका में किया. और अब बेसिकली ऐसा कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ. पाकिस्तान को जो चीन से उसने लोन लिया है वो वापस भी करना पड़ेगा. आप देख सकते हैं इस नक्शे में पाकिस्तान के, बेसिकली ये सीपैक जो गुजर रहा था ये पीओके से गुजर रहा था जो भारत का हिस्सा है, और बलूचिस्तान से इसका बहुत लंबा हिस्सा गुजरना था. बलूचिस्तान में बलूची क्रांतिकारियों ने अच्छा धोया, किसको? जमकर धोया चीनियों को. चीनी भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इन्हें अब बाय रोड ही तेल मिलने का जुगाड़ बन रहा है. कहाँ से? ईरान से. ईरान में ये पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से अफगानिस्तान के रास्ते. अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे आप पैसे दोगे तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, चीन को भी रास्ता दे देगा. तो ये आराम से ईरान में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 400 बिलियन डॉलर के, जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया मेजर गौरव आर्य ने. ये इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें तो करते हैं लेकिन होती कुछ नहीं है. अब ईरान से तेल लेगा चीन को भी तेल चाहिए, तो पाकिस्तान से तो तेल मिलने वाला था नहीं. पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से तेल मिलता तो उससे अच्छा तो सीधा इनका इन्वेस्टमेंट ईरान ही सही रहेगा. तो ऐसा कुछ चीन ने टारगेट बनाया. तो अब पाकिस्तान का सपना जो था सीपैक का, सीपैक के बाद पाकिस्तान की इकनॉमी दुनिया की टॉप इकनॉमी में से एक होगी, पाकिस्तान की सड़कें ये होंगी, पाकिस्तान का ये होगा वो होगा, अब बाबा जी का ठुल्लू हो गया है कुल मिला के पाकिस्तान का. तो मेजर गौरव आ रहा है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. और ये जो इस मतलब जो एक्टिविटी हुई है ईरान चाइना के बीच, इसमें जो पाकिस्तानी मीडिया के जो रिएक्शन आएंगे वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे. उसके लिए आपको क्या है, उसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना. धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए. जय हिंद.